हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राजस्थानी हाउसवाइफ व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं आई हूँ, कपड़े देख के आपको पता तो चल ही गया कि मैं कहाँ आई हूँ। मैं आई हूँ आज मार्केट, अहमदाबाद के मच्छी मार्केट नाम है, पर यहाँ पे मॉमडन लोगों की ज़्यादा शॉप है और यहाँ पे सारे कपड़े मिलते हैं। जो जैसे ऐसे क्या बोलते हैं, थान बोलते हैं इनको, जैसे कटिंग में कपड़ा मिलता है, आपको जितना मीटर चाहिए वैसे मिल जाता है। और बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है इनके पास, बहुत ज़्यादा। आप मतलब 100 रुपये मीटर का कपड़ा भी है यहाँ पे, 2000 रुपये मीटर का कपड़ा भी आपको मिल जाता है। जितनी मर्जी हाई रेंज लेने उतने मिल जाते हैं। ये यहाँ पर मुझे कुछ नए कपड़े दिखे थे जो राजस्थान में, अभी ये चंदेरी वाला जो पीछे आपको दिखा, ये वाला तो काफ़ी चला हुआ है, पर ये जो साइड का नीचे वाला बॉर्डर है ना, ये मुझे यहाँ पर नया लगा था, जो बहुत सुंदर लगा था। और मैं पता ये वाली ड्रेस लेने के लिए नहीं गई थी मार्केट, मेरे को कुछ एक फ़ोटो मेरे पास थी कि मुझे वैसा कपड़ा लेना है, तो मेरे को ये था। पहले इस मार्केट में घूमती हूँ और यहाँ मुझे मिल गया तो ठीक है, वरना दूसरी मार्केट जाऊँगी। पर अच्छा हुआ कि मैं, पता है, जैसे ही मैं और बाईसा और अन्नू आए इस शॉप में, आए एक ही शॉप में आते ही हमें ये कपड़े इतने पसंद आ गए थे, तो फिर मैंने उस फ़ोटो वाले कपड़े को तो रहने दिया और ये सारे कपड़े मैंने काफ़ी ख़रीदे, मेरे लिए, टीना जी के लिए और बाईसा ने ख़रीदे, दोनों बिनणियों के लिए, जसवंत की बिनणी और राधे श्याम की बिनणी के लिए। तो कलर भी बहुत सुंदर है, मतलब आप ना, यहाँ पर ये था कि अगर आपको एक साल में बाद में भी आपको अगर ऐसा कपड़ा सेम चाहिए तो ये बोले हम वापस मंगवा देंगे, और जितना मीटर चाहिए आपको वैसे मिल जाएगा। ये ना टिशू टाइप का कपड़ा था, मेरे को लगा और गंजा कपड़ा है, पर ये और गंजा नहीं है। और ये तारे में ऐसे हाथ लगा के चेक कर रही हूँ ताकि हम लोग जो ओढ़नी ओढ़ते हैं वो बहुत पतले कपड़े के होते थे, वो ओढ़नी अड़े ना, इसलिए भाई साहब भी ओढ़नी ऐसे टच करके देख रहे पर अड़ नहीं रही थी। इसका दूसरा कलर ये वाला था, ये भी बहुत सुंदर कलर लग रहा था और पिंक वाला भी अच्छा लग रहा था। मैं बता रही हूँ कलर यहाँ पे सारे ही बहुत सुंदर कलर थे। तो ये तो अभी जो मैंने आपको फ़ोटो में बताया वही वाला कलर है, और इसके बाद मैं आपको और बताती हूँ। मुझे मेहंदी कलर दूसरों के पहना हुआ इतना सुंदर लगता है, और जब मैं देखती हूँ ख़रीदने की बारी आती है तब मैं दूसरा कलर लेके आ जाती हूँ। जब यहाँ पर आज मेरे को मेहंदी कलर दिखा था और घर से मैंने ऐसे सोचा हुआ था कि मुझे मेहंदी कलर लेना है, और मैंने देखो ये जो कपड़े लिए वो बस अभी पैक करवा रही हूँ। इनके बिल्कुल सही रेट लगाते हैं, ऐसा नहीं है। बस यह है कि राजपूती ड्रेस बनाने के लिए हम लोग ओढ़नी वगैरह लेंगे तो वो रेंज तो वही पड़ जाएगी जो राजस्थान में ड्रेस खरीदते हैं, पर यह कि यहाँ पे हमें बहुत सारी वैरायटी मिले। ये वही ड्रेस है जो मैंने येलो और वाइट कलर में आपने देखी होगी, डोरिया ओढ़ने वाली, ये वही कपड़े जो मैंने यहीं से ली थी। पर उसके साथ पता है क्या हुआ था, जब उस ड्रेस को मैंने धोया ना तो उसका कलर उतर गया था, कि येलो वाला कलर वाइट पर आ गया था, तो इसलिए मैंने वापस, मेरे साथ वो ड्रेस किसी ने मंगवाई थी फिर भी आज मैंने ली नहीं। मैंने कहा जब मेरे खुद के ऐसी प्रॉब्लम हो गई, किसी को ले जाके देते हैं तो फिर सही नहीं लगता, तो उनके लिए मैंने नहीं ली। और वाइट में बहुत सारी वैरायटी है और बहुत सुंदर डिज़ाइन, अगर इनको डाई करवा के देते हैं भैया, अगर आपको ख़रीदना होता है तो डाई करवा के दे देते हैं, क्योंकि वाइट में है ना हेवी में बहुत हेवी लहंगे बनते हैं वर्क वाले है, और जो गाउन वगैरह बनती है, ब्राइडल लहंगे बनते हैं, वो सब कपड़े मिलते हैं यहाँ पर। तो सबकी मतलब मैं क्या बताऊँ, इतने प्यारे कलर लग रहे थे, मतलब दिल कर रहा था ना, फिर भी मैंने कंट्रोल किया कि नहीं मुझे इतने नहीं लेने। और इसका जो वर्क है ना, जो काम किया हुआ है, इतना सफाई से करा हुआ, बिल्कुल भी अड़ने फटने का काम नहीं है, बिल्कुल साफ तरीके से किया हुआ है, बोल फेंगूंगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग मार्केट से बाईसा के घर आ गए थे, वहाँ से चाय वगैरह पी, आधा घंटा रुकी और फिर आ गई हूँ घर। और आज से यहाँ पर वॉलीबॉल का ग्राउंड रेडी करवाया मेरे, मैं मतलब मार्केट गई थी, पीछे से ये पैंट वाले भैया आया थे और ये रेडी किया, ये नेट वगैरह लेके आए हैं चिकू के पापा और उपेंद्र जी, और साइड में मंदिर में पूजा हो रही है, तो आपको घंटी की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। देव आया मेरे साथ, ये आपको तीसरा बच्चा जो लड़का दिख रहा है वो देव है, अनु का भाई है, जो मेरे साथ आया था मुझे छोड़ने के लिए। और यहाँ पर लगेगी ये नेट, ये पाइप है जो, ये पिलर जो पहले से लगे हुए थे, नेट अभी लग रही है, और फिर सारे सोसाइटी के मेंबर्स यहाँ पे वॉलीबॉल खेलेंगे। और ये चिकू का बॉल, और सोरू आज ऑफिस चला गया था छुट्टी होने के बाद, और ये अभी शाम को घर आया, और चिकू को मैं साथ में लेके गई थी। नेट ज़्यादा बड़ी है, चैनल राजस्थानी हाउसवाइफ व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, वही सेम रूटीन चल रहा है, सुबह से नाश्ता पानी खाना सब हो गया है और बच्चे सोए नहीं, सोरू को स्कूल नहीं भेजा था क्योंकि कल बहुत लेट नाइट तक इनका फुटबॉल चल रहा था, यानी वॉलीबॉल चल रहा था इनका, तो फिर इसलिए वो थक गया था, पैर दुखने लग गए थे। फिर मेरे को भी मतलब नींद आ रही थी, कल मार्केट गई थी
और फिर सारे मतलब पूरे घर भी थका हुआ था, तो फिर किसी ने चीकू के पापा ने भी नहीं बोला, वरना तो ये मैं मना करती थी, ये फोर्स करते नहीं नहीं भेजना है। तो फिर उसकी छुट्टी रही आज, और अब कल है। अब देखो वैक्स कब होता है पता नहीं है, हमेशा मेरे पता क्यों होता है, मेहंदी लग जाती है नेल पेंट नहीं लगती है। तो मतलब मेहंदी के बाद मैं अक्सर फोटो खींचती हूँ तो मेरे हाथ इतने गंदे आते हैं। तो पहले मैंने आज है ना मेहंदी बाद में लगाऊंगी, पहले नेल पेंट साफ करिए हाथों की पैरों की। अब ये सोच रही कौन सी नेल पेंट लगाऊँ, क्योंकि अक्सर रेड कलर अच्छा लगता है पर रेड कलर मेरे पास नहीं है, बाकी और इतने सारे कलर पड़े रेड नहीं है, एक मेहरून मिला है तो ये सोच रही मेहरून लगा लूँ। ये मैं पोंटा गई तो वहाँ से लाई थी, और मैं पता ऐसे ऐसे कलर खरीदती हूँ, मुझे ये से लाइट कलर अच्छे लगते हैं पर कभी कभार रेड की भी ज़रूरत पड़ जाती है। ससुराल में तो पड़ा है, अरे ससुराल में तो मिल भी जाता है, घर में एक दूसरे का ले लेते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे ये नया पेंट है, देखो सबके कलर देख लेना, ये ग्रीन सारे लाइट लाइट कलर है, तो ये एक भी काम का नहीं है, तो मेहरून वाला लगाती हूँ। गई है मार्केट, कल हम मार्केट गए थे कपड़े वगैरह लेके आए थे, बहुत सुंदर ड्रेसेस थी यार, मुझे वो आपके साथ वीडियो शेयर करना है उसका। और क्या बता रही थी, जब मम्मी को हमने वीडियो कॉल करा नहीं, वहाँ से घर आके अनु ने मम्मी से बात करी, मतलब मेरी मम्मी से, अनु अपने मामी सा से, कि वहाँ से ड्रेसेस लाए बहुत सुंदर थी, तो फिर उन्होंने भी बोला मेरे लिए भी लानी है। तो फिर अनु आज फिर से मार्केट गई हुई है, कपड़े अभी गई या जानी है दोनों में से एक काम है, वो जाएगी और मम्मी के ड्रेसेस लेके आएगी। वो कैसी लाती है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, वो कब आती है मैं भी उसका वेट कर रही हूँ, वो आएगी उसके बाद ही मेहंदी लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स मैं शादी के पहले बहुत मेहंदी लगाया करती हूँ, बहुत सुंदर डिज़ाइन भी लगाया करती, पर अब मतलब शादी के बाद मेहंदी लगाती नहीं हूँ, दूसरों के फिर लग जाती है कभी ससुराल में, तो फिर भी सासू माँ वगैरह कोई बोलते हैं तो उनके लगा देती हूँ, खुद के मैं कभी नहीं लगाती हूँ। नमियों की मेहंदी आएगी मेरे व्लॉग में, ये मेहंदी मैंने लगाई है नमियों के, सुंदर लग रही है नमियों, सच में सुंदर लगाई है, मेरे तो ऐसे ही लगाए मैंने, देखो मेरे इस बार ही मेहंदी कम रची है, हमेशा बहुत ज़्यादा रचती है, पता नहीं क्यों कम रची है। अच्छी लगी ना नमियों, और चिक्कू नाई नाई करके आया, अरे गंदा गंदा दिख रहा है, गंदा दिख रहा है, अरे गंदा गंदा। तो फ्रेंड नेक्स्ट डे अनु वापस शॉपिंग करने गई, तो देखो ये अगले दिन नया कपड़ा आ गया था, हम लोग जो लेके गए थे उसमें ये लड्डू वाला डिजाइन नहीं था, जो बीच में लड्डू वाला बना हुआ है, तो ये नया आ गया था, क्योंकि अक्सर यहाँ पे मतलब ये होलसेल में कपड़ा बिकता है, मार्केट वाले जो लोग होते हैं वो यहाँ से लेके जाते हैं, तो यहाँ पे थोक में कपड़ा मिलता है। तो फिर मम्मी को फिर वीडियो कॉल करा और बताया कि लड्डू वाला नया आया वो लेना, पर मम्मी को तो वही पसंद आया जो मैंने लिया था, और जो मेरे कलर सेम थे ना, मम्मी ने वही दोनों सेम कलर पसंद किए अपने लिए। तो जो एक तो ये देखो भैया जो काट रहे हैं अभी इनके हाथ में, ये वाला कलर मम्मी के लिए लिया, और एक लिया था लाइट पर्पल कलर का, दोनों ही बहुत प्यारे हैं, मेरे तो खरीद के बाईसा को ही दे दिए, वो मेरे बाईसा सील देंगे, और मम्मी के अभी यहाँ मतलब ससुराल लेके जाऊंगी, वहाँ पे मेरे जो बड़े वाले बाईसा है उनको दूंगी, वो पाली में सिलवाते हैं, तो मम्मी की फिटिंग वगैरह की थोड़ी दिक्कत रहती है, तो पाली में जो टेलर सिलते हैं तो उनकी फ़िटिंग मम्मी की सही सेट होती है, तो वहीं पे बनवाते हैं। और इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ, ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू।